बादल मंडरा चुके हैं और ये हेली की सेवा है गौरीकुंड से और सोनप्रयाग से सीधे केदारनाथ लाकर ये हेली छोटी है मात्र 2500 रुपए में। मंदाकिनी विहंगम दृश्य मंदाकिनी नदी का रामबाड़ा में आप देख रहे हैं और यात्री आते हुए केदारनाथ की ओर घोड़े में पसीने से तर। चौरावाड़ी ग्लेशियर से ये नदी निकलती है केदारनाथ मंदिर होते हुए। फिर से थक चुके हैं, मात्र 2 किलोमीटर पहले रेस्ट किया था हमने, अभी भी यहाँ से 8 किलोमीटर और ट्रैक करना है, चढ़ाई है केदारनाथ केदार धाम के लिए। और हम लोग 2 मिनट का रेस्ट यहाँ पर फिर करेंगे। अपने दो साथी जो है पीछे छूटे हुए हैं, जो कि रामवाड़ा से निकल चुके हैं, उनके लिए हम लोग रुकेंगे नीचे। रामवाड़ा में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है लोगों की, भक्तों की। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। रोड में साफ शुद्ध पानी की सुविधा और चाय, जूस, सिकंजी, बहुत सारी सुविधाएं इस रूट पे आपको मिलेंगी। बने रहिए नागदेव बीटो के साथ, धन्यवाद। चॉकलेट खाकर फिर से एनर्जी का बूस्टर डोज लिया गया है हमारे द्वारा और अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है। छोटा लिंचोली वाले एरिया में हम लोग पहुंच चुके हैं, मात्र 1 किलोमीटर और बड़ी लिंचोली 3, बेस कैंप 6.5-8 किलोमीटर की चढ़ाई और केदारनाथ में। और पांडे जी कैसा चिता रहे हो आप? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, मंदिर अड़का शुरू हो रहा और साठ आ रहा अंदर हमारे। अच्छा, चॉकलेट खा के थोड़ी सी एनर्जी गेन हुई? बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रहा। बिल्कुल, बने रहे नागदेव वीडियो के साथ। आगे का विहंगम दृश्य आपको अपने YouTube चैनल नागदेव वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, धन्यवाद। तो साथियों, काफी थकान भरा सफर और अपने आप पांव ऊपर को जंप कर रहे हैं, कुछ लोग नीचे को चल रहे हैं। ये शॉर्टकट हमने लिया है यहाँ से, यहाँ से लंबा रूट है, लेकिन हम लोग बीच बीच में शॉर्ट रास्ते से आ रहे हैं। बने रहिए नागदेव वीडियो के साथ। इसके अगले पार्ट में आपको कराएंगे बाबा केदारनाथ धाम के भव्य दर्शन। तब हमारे YouTube चैनल नागदेव वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शानदार भव्य नज़ारा, नीचे मंदाकिनी नदी और इधर स्लाइडिंग वाला जोन दिख रहा है आपको। लगभग नदी से 100 मीटर ऊपर, 150 मीटर ऊपर ये कटा हुआ जून है। यहाँ पर 2013 की जो त्रासदी है जून की, ये किहन उसके रहे हैं और यहाँ पर 2013 में जो त्रासदी आई थी, इतना ऊपर नदी का पानी जो है चौरावाड़ी ग्लेशियर से बहकर आया था। इस चीज को हम और क्लोज से दिखाएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले पार्ट में। बने रहे नागदेव वीडियो और अगला पार्ट जरूर देखिए, बाबा केदारनाथ धाम और मंदाकिनी नदी को और नजदीक से आपको दिखाया जाएगा। और आज मौसम ने अच्छा साथ दिया है, पूरा साफ मौसम और हिमालय जो दिख रहा है ऊपर, बादल वहां पर लग चुके हैं। देखते हैं कितना अच्छा व्यू हमको हिमालय का मिल पाता है। लोग वापसी तिरंगा हाथों में लेकर, कुछ लोग भगवा ध्वज हाथों में लेकर आ रहे हैं। अगला पार्ट देखिए, बाबा केदारनाथ जी का धाम आपको दिखाएंगे बहुत नजदीक से, धन्यवाद। हम लोग रामबाड़ी से काफी ऊपर आ चुके हैं, पीछे ये निशान दिख रहे हैं स्लाइडिंग के, क्या बताना चाहोगे आप मेहरा जी? ये स्लाइड को देख के हम इमेजिन कर सकते हैं कि 2013 में कितनी भीषण आपदा आई होगी इधर, क्या रोदन रूप उस टाइम प्रकृति ने लिया होगा। और साथ ही नागदेव वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नंबर 1, आप जब भी कहीं ट्रैक पे आए, ये जो आप अपने साथ पानी की बोतल, चिप्स के पाउच या तमाम सारी चीजें लेके आए, इसका वेस्ट मटेरियल देखिए घोड़े में किस प्रकार से सामान जा रहा है और उधर पलाई भी जा। फिर से रुकना पड़ रहा है महेंद्र भाई, यशवंत भाई और पांडे को। अभी तक कहीं उनका नामो निशान नहीं दिख रहा है पूरे रास्ते में, दूर दूर तक हम लोग देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं।
और हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। मात्र 2-2.5 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर यहाँ से और चढ़ाई है। पहुँचने के बाद दिखाते हैं केदारनाथ जी का भव्य धाम और मंदाकिनी नदी, दिव्य शिला इत्यादि चीज़ें वहाँ पर देखने में मन को आनंदित करने वाली जो प्रकृति के दर्शन हैं वो आपको कराते हैं। बने रहिए नागदेव वीडियो के साथ। केदारनाथ की तरफ ये हेली सेवा जाती हुई, काफी अच्छी सुविधा है हेली की, गौरीकुंड से सोनप्रयाग से केदारनाथ की तरफ, और वहाँ से बहुत कम पैदल होता है। हिमालय का बहुत भव्य दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। बादल मंडरा रहे हैं ऊपर से। ये है नैसर्गिक सौंदर्य प्रकृति का, ऐसा लग रहा है हिमालय में ही हम पहुँचने वाले हैं। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक रह चुका है केदारनाथ पहुँचने में, पैदल रास्ता। और ये यहाँ पर बेस कैंप है, आपको दिखाते हैं। नीचे जो है मंदाकिनी नदी और तरह तरह के झरने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत नज़ारा, दिल को छू जाने वाला, दिल को आनंदित करने वाला ये भव्य दर्शन। ऊपर पूरा बादलों से भरा हुआ और नीचे को पूरी बर्फ। देखते हैं हमारे साथी पर एक नजर, कहाँ पहुंचे हैं हमारे साथी। महेंद्र, हम अपने साथी नेपाली को क्यों लाए? हमारा सामान पूरा, काफी थकान हो चुकी है। हमारे पांच ही जो गांव के साथी आए हैं शेरी से, ये स्पेशली नेपाल से हमने बुलाया है इनको, नेपाल से महानगर से। अब इनको लग रहा है चल रहे हैं, और एक्स और वाई दोनों टीम यहाँ पर रुको। चलने में ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप पांव ऊपर को खींचे चले आ रहे हैं चढ़ाई में, पावरफुल जैसी। तो काफी आनंदित कर देने वाली ये भक्तिमयी यात्रा, और थोड़ी सी भूख भी लग चुकी है सभी साथियों को। चलते चलते काफी थक चुके हैं साथी, तो सबसे पहले हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ पर है भाई साहब, आपका नाम? देवेश। देवेश भाई हैं जो हमको खाना खिलाएंगे। देवेश कनवाल गजवान, गजवान देवेश गजवान जी हैं जो हमको दाल चावल रोटी यहाँ पर खिलाने वाले हैं। 100 रुपये में फुल डाइट, काफी अच्छी सुविधा देवेश जी के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। केदारनाथ वाली जो ट्रैक है, यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे केदारनाथ मंदिर है, और भोजन करके हम लोग निकलेंगे केदारनाथ की तरफ। तब तक यहाँ पर पानी का धारा हमको दिख रहा है, और यहाँ पर हम लोग हाथ मुँह धोएंगे, काफ़ी ठंडा पानी और आँखों को शीतलता देने वाला। काफ़ी ठंड पानी में और बहुत आनंद दे रहा है हाथ मुँह धो के। ऐसे केदारनाथ वाले रूट पे अनेक प्रकार के धारे देखने को मिलते हैं, जिसपे बहुत शानदार शीतल जल 24 घंटे उपलब्ध रहता है। और कुछ साथी हमारे अभी भी पीछे छूटे हुए हैं, 3 लोग हम यहाँ पर आए हुए हैं। 4 किलोमीटर का ट्रैक और रहा है, और बहुत सारे लोग भक्तजन श्रद्धालु जो हैं वापस केदारनाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। और ये छोटा सा छप्पर नुमा ढाबा, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, दिन के लंच की व्यवस्था है। लगभग 1:30 बजने वाला है, अभी 2 घंटे हमको और लगेंगे। शानदार दाल चावल का आनंद यहाँ पर हम लोग लेंगे इस ट्रैक में, और उसके बाद आगे की चढ़ाई फिर कंटिन्यू करेंगे। बने रहिए नागदेव वीडियो के साथ। केदारनाथ वाले रूट में बताया जाता है कि खाना बहुत महंगा है और बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, लेकिन बहुत शानदार खाना मात्र 100 रुपये में भरपेट खाना यहाँ पर हमको दिया जा रहा है हमारे भाई साहब के द्वारा। और शानदार रेस्टोरेंट है,
लेकिन ऊपर पूरा ये प्लास्टिक का, यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट और दुकान प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक का सेट है और पर्दे भी पूरे प्लास्टिक के हैं। और हमारे भाई साहब यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, 100 रुपये में बहुत शानदार खाना, दाल चावल रोटी पराठे ये खिला रहे हैं फुल डाइट के हिसाब से। और इससे ज्यादा क्या लोगे आप, और इतनी दूर से लगभग 15 किलोमीटर पैदल चल के ये सामान लाते हैं और मात्र 100 रुपये में यहाँ पर उपलब्ध है। ऐसी सेवा यहाँ पर हमारे उत्तराखंड वासी दे रहे हैं केदारनाथ धाम में। आगे केदारनाथ का 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता और बचा हुआ है, बने रहिए नागदेव वीडियो के साथ, दिखाते हैं केदारनाथ धाम।